अशोक गहलोत अब भले ही राजस्थान के भूतपूर्व सीएम कहे जाते हों, लेकिन ऐसा लगता है कि जोधपुर के अधिकारी अब भी अशोक गहलोत के आदेश का ही पालन कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो ये तस्वीरें देखिए, जो कि जोधपुर जिले से ही सामने आई हैं। यहां आज सीएम भजन लाल का दौरा है, लेकिन सीएम के पहुंचने से पहले ही गहलोत के गृह जिले में मुख्यमंत्री के पोस्टर हटवा दिए गए। हालांकि जोधपुर दक्षिण में बीजेपी का ही बोर्ड है, यहां पर बीजेपी का ही मेयर है, बावजूद इसके निगम के अधिकारी विक्रम सिंह चारण का ही आदेश चलता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विक्रम सिंह चारण आज भी अशोक गहलोत का ही हुक्म बजाते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को मुख्यमंत्री का पोस्टर हटवाने का आदेश दे दिया। ये जब हमारे यहाँ से कार्यकर्ता निकल रहा था तो उसने देखा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो प्रथम बार जोधपुर पधार रहे हैं, कार्यकर्ताओं इसको लेकर बड़ा उत्साह है उसको। उन्होंने कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जो बैनर और होर्डिंग्स लगाए, और ये नगर निगम वाले, ये कोई विक्रम सिंह चारण करके कोई अधिकारी है, उनके आदेश के अनुसार उन्होंने वो सब हटाने शुरू किए। तो हमने पूछा उनसे, जब मेरे पास फोन आया मैं वहाँ घटनास्थल गया और पूछा भाई क्यों हटा रहे, तो हमें विक्रम सिंह चारण कोई करके है, उनका भी आदेश है और ये हटाने सब। तो मैंने कहा भाई एक घंटे रहने तो रिक्वेस्ट किया, परंतु उन्होंने नहीं माने और उन्होंने वो फाड़ करके और उस डस्टबिन की गाड़ी में डाल दिए। तो ये हम कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है कि यह जो अधिकारी है यह अभी पिछली सरकार के राज में ही जी रहे हैं क्या, क्या यह सरकार से भी बड़े हो गए क्या। इस प्रकार की बात हमने सीओ से भी बात की, सीओ से जब बात की, सीओ ने कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, क्या सीओ की जानकारी के बिना भी यदि नगर निगम का एक साधारण अधिकारी इस प्रकार कर रहा है तो यह हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सरकार से भी हम निवेदन, हम मुख्यमंत्री जी का जो एक अपमान है, हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान है, और इस प्रकार के अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। गहलोत का गृह जिला, नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड, बावजूद इसके सीएम साहब के पोस्टर हटवा दिए जाते हैं और मेयर को भनक तक नहीं लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तब जाकर नगर निगम ने भी मामले का संज्ञान लिया। मैं जैसे ही घर से निकला था तो मेन रोड पे आया, जो सीएम एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो नगर निगम दक्षिण की उड़नदस्ता वाली अतिक्रमण ब्यूरो वाली गाड़ी आई थी, वो भजनलाल जी शर्मा साहब के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाए थे स्वागत के लिए, वो लोग हटा रहे थे। तो हमने रोका तो बोले कि हमारा आदेश है, हमने कहा किसका आदेश है, बोले महापौर साहब का। तो हमने महापौर साहब से बात की, विनती जी से, उन्होंने बोला हमारा स्टाफ ने फोन उठाए, बोले कि हमारा को हमने किसी को नहीं मैंने बोला, तो बोले ऊपर से आदेश है। मैंने कहा ऊपर से आदेश का नाम तो बताओ, तो हमने गाड़ी रुकवा दी और अपने कार्यकर्ताओं को सबको वहाँ बुला लिया गया। अच्छा, क्यों, कौन अधिकारी था जिसने ये सब हटवाए और बोर्ड किसका है? बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महापौर वहाँ से कह रहे हैं कि हमने नहीं बोला है, किसी अधिकारी ने बोला है। अभी जांच का विषय है कौन है अधिकारी। मुख्यमंत्री का पोस्टर हटवाने वाले अधिकारी पर अब गाज गिरनी तो तय है, लेकिन हैरानी तो इस बात पर है कि आखिर किस वजह से, किसके कहने पर नगर निगम के अधिकारी ने मुख्यमंत्री का ही पोस्टर हटाने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।